गाथाओं और साधु संतों की भूमि, शौर्य और पराक्रम की भूमि, शहीदों और बलिदानियों की भूमि, बलिदान और स्वामी भक्ति की ऐसी गाथाएं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। देश के नाम पर कुर्बान होने वालों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि जिसे सुनाने बैठो तो बरस दर बरस सुनाते रहो। भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने नाम, गिनती खत्म नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी जैसे बलिदानियों की शौर्य गाथाएं तो आज तक लोगों के दिलों पर अंकित हैं और ऐसी ही अनेक शौर्य गाथाओं से ओतप्रोत है हमारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, अपनी आन बान और शान और अपनी बात पर मर मिटने वालों की धरती। राजस्थान की हर हवेली, किले की हर दीवार पर एक शौर्य गाथा लिखी हुई है, फिर चाहे वो रानी हाड़ी की हो या गोरा बादल हो, महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा, इन सब की शौर्य गाथाएं अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इंसान तो इंसान, यहां तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति की भी ऐसी गाथा है जो पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी के लिए अपने प्राणों की रक्षा देने वाले तो कई मिलेंगे, लेकिन एक नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर है, पन्ना धाय का नाम। गुजरात के बादशाह
बहादुर शाह ने अपनी विशाल सेना और तोपों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सभी राजपूत अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए। रानी कर्मवती ने पूरी स्थिति को देखते हुए जौहर का निर्णय लिया और राजपूत वीरों ने शाका की। और राजपूत वीर और रानी कर्मवती इन्होंने 13,000 स्त्रियों के साथ अपने आप को अग्नि के हवाले किया और राजपूत वीरों ने केसरिया वस्त्र धारण करते हुए हवेली के द्वार खोलकर सीधा शत्रुओं पर आक्रमण किया। लेकिन रानी कर्मवती ने जौहर के पूर्व अपने बेटे और महाराणा के उत्तराधिकारी उदय सिंह को अपनी एक दासी पन्ना को सौंपते हुए उनसे वचन लिया कि वो हर हाल में उनकी रक्षा करेगी। और दासी पन्ना ने भी उन्हें अपना वचन दिया और वहां से निकल गई। और उसी दिन से दासी पन्ना ने अपने बेटे चंदन के साथ उदय सिंह को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। और रड़खेता तलवार।
चित्तौड़ के वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है उनके हाथों में। अब मेरा मन बोलाने लगी। धर्मा, देखो धर्मा, तुम मेरे साथ ना जितने चलती हो ना, लाओ मेरी तलवार, तब तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुमार, नहीं। रात के समय में तुम कहीं अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, जो किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प धर्मा? तुम नहीं समझोगे कुंवर। अच्छा जाओ, तुम जाके विश्राम करो। भोजन के लिए तुम्हें मैं जगा दूंगी। नहीं धर्मा, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना अपनी शैया पर सोऊंगा। हाँ, अरे कुंवर सुनो तो, मेरे ला रूठ गए। कुंवर का तो रूठना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मना लो। पागलपन कम ना हो जाए। धाई माँ, पागलपन कहीं कम नहीं होता। अब देखो,
वो पहाड़ पढ़ने के बाद कभी छोटे हुए, नदियां आगे बढ़ने के बाद कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे है धाईमान, सब आगे है। अब देखो, मैं रावण की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाईमान, तुम तो धाईमान की धाईमान ही रहोगी, धाईमान की। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। बस भाग्य, भाग्य तो सबका होता है धाईमा। अब देखो, ये मेरे पैरों में दुपहर है ना, तो अब ये बेचारे इनका भाग्य है, मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, तो ये भी इनका भाग्य है, छन छन करके मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं। और ये जब मेरे पैर मौन हो जाते हैं, तो यह भी मौन हो जाते हैं, तो यह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है भाई। अब देखो, तुम्हें नगर के उत्सव में भाग नहीं लेना, ना दो। महाराज बनवीर का साथ नहीं देना, ना दो। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? तो क्या मेरे नगर के उत्सव में जाने ना जाने का संबंध उस बनवीर की इच्छा से है? धाई माँ, फूल कुछ कहते हैं, अपनी सुगंध भेज देते हैं, दीपक कोई संदेश भिजवाते हैं, पतंगे आप से आप आ जाती हैं। मुझे पता, दीपक की लौ में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर को भेज देती, उन्हें तो कोई याद नहीं छू सकेगी ना। कैसे भेज देती, इतने सारे लोगों के बीच कुंवर को कैसे भेज देती? अब महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं, महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक को प्राप्त हो गए, और अब महाराज विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से। धाईमा, तुम विद्रोह की बात कर रही हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे नुपुर, तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका आएगा और तुम्हारी इन गीत की सारी लहरों को निकल जाएगा। ये सुख और सुहाग है ना, पास पास उठे 2 बुलबुलों की तरह कब फूट जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सोना। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटे नाचती है, सोना जैसी रावण की लड़कियां नहीं। तोड़ दो ये नफर, बनवीर की आग की गलियों, याद रखना तुम्हारे पीछे काली राख है, काली राख। प्रतीक्षाओं की चिंगारियां चित्तौड़ की आंखों में अधजली होकर चटकेंगी और किरकिरी बनकर कसकेंगी। या की ज्वाला इस हवन कुंड को भी बुझा देगी सोना, बुझा दो इसे। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, अरे यहां का त्योहार तो आत्म बलिदान है, आत्म बलिदान। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो, उसे सुनो और समझो। और अगर नहीं समझ सकती तो जा, निकल जा यहां से, दिशाओं की तरह उस बनवीर की हंसी में डूबी रहो, तुमसे कोई प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। जा, निकल जा यहां से। क्या है ये सब? क्या है ये सब? माँ,
भूमि पर ही सो गए थे। हाँ, तलवार उनके हाथ से थोड़ी सी खिसक गई है, पर वे ठीक है। हितुलजा भवानी कुशल करे, मेरे को मुझे पर भाई वाह, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। बात महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई, किसने किसने की हत्या? बोलो साबित, किसने की हत्या? उस अत्याचारी क्रूर वजीर ने। मां, महाराणा अपने कक्ष में सो रहे थे, अवसर पाकर उसने महाराणा की छाती में तलवार भोंक दी। महाराणा विक्रमादित्य जी, मैं पहले ही जानती थी सामने। बलवीर ने आज नगर भर में नाच गान का उत्सव मनाया माँ, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में लगा रहे। अंतःपुर में वो आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं और उसने अवसर पाकर महाराणा की हत्या कर दी माँ। इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने नहीं दिया था। संभव था कि मैं कुंवर को वहां जाने देती और बलवीर अपने सहायकों के साथ मिलकर कोई कांड रचते थे। इसलिए माँ मैं आपके पास दौड़ी चली आई। नगरवासियों ने बलवीर को कहते हुए सुना वो उदय सिंह को सिंहासन का अधिकारी समझ के जीवित नहीं रहने देगा। माँ वो निष्कंटक राज करेगा था, वो निष्कंटक और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। पर रक्त से भीगी तलवार लेके वो अपनी महल की तरफ गया है माँ, और किसी ने उसे रोका नहीं। सैनिक चुपचाप देखते रहे, को उसने अपनी तरफ मिला लिया है माँ, सभी उससे डरते हैं। कौन सा महाराणा विक्रमादित्य जी की राज में प्रजा उनसे प्रसन्न थी माँ, सभी सामंत उससे असंतुष्ट थे, सभी। अब क्या होगा सामने? माँ थोड़ी देर में बलवीर आता ही होगा, वो आज की रात पूरी तरह से महाराणा बन जाना चाहता है। अभी कैसे भी कुंवर जी की रक्षा करनी होगी माँ, कुंवर जी की रक्षा। कुंवर की रक्षा होगी सामने, कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। मारवाड़ का उत्तराधिकारी एक वही तो राजपूत रक्त है, उस दासी पुत्र बलवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। ये तो आगे की बात है माँ, तुम कुंवर की रक्षा कैसे करोगी माँ? मैं आज ही कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ तुलजा भवानी उसे रखेंगी। मेरे कुंवर का नमक मेरे रक्त से भी महान है सामली, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धर्मा, धन्य हो तुम, पर तुम इतनी अंधेरी रात में महल से निकल भी नहीं सकोगी माँ। क्यों? इस अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा मुझे? महल से निकल भी नहीं सकोगी धर्मा। आते समय मैंने बलवीर के सैनिकों को देखा था, तुम्हारा ही महल चारों तरफ से सैनिकों से घिरा हुआ है माँ, तुम महल से निकल भी नहीं सकोगी। क्या होगा? कुंवर की रक्षा हमें ही करनी है माँ, कुंवर को बचा लो। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? सैनिक तो उसकी तरफ है माँ। और सामंत? सामंतों में अब इतना साहस नहीं रहा। तब मैं स्वयं तलवार लेकर उसकी रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मैं मरते मरते उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, उसके और कुंवर के बीच मेरे रक्त का समुद्र लहराएगा, समुद्र जो वो इस जीवन में तो पार नहीं कर सकेगा। वीर के साथ सैनिक भी हो सकते हैं माँ, और युद्ध करते करते तो तुम्हारे प्राण जाएंगे ही, पर हमारे कुंवर जी भी नहीं मरेंगे। तो मैं क्या करूं सामी, क्या करूं मैं? हाँ, बलवीर से कुंवर के प्राणों की भिक्षा मांगूंगी। बलवीर भी तो मनुष्य है, कुछ तो दया होगी उसके मन में। राजा की हत्या के बाद वो दासी पुत्र मनुष्य है, वो जंगली पशु से भी क्या बीता है माँ, वो जंगली पशु से भी क्या बीता है। तो मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? इसका उपाय मैं क्या बताऊँ माँ, मैं तो इस महल की परिचारिका हूं ना। हाँ, पर इतना जरूर कह जाती हूँ
पापी बनवीर किसी भी वक्त इस महल में आता होगा। सर की तरह उसकी भी तो जीवन है माँ, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। रक्त मेरे उमर का है माँ। तो
कुंवर को लिटा ले, पे पत्तले ढक देना और पानी छिड़क देना, फिर तुम महल से बेखटके निकल जाना। किसी को समझ में नहीं आएगा कि टोकरी में कुंवर जी। वाह अन्नदाता वाह, क्या खूब सोचा है अन्नदाता वाह, क्या खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहां है अन्नदाता? आराम से उठाकर अपनी टोकरी में लेटा, वो जाने ना पावे के लिए। अन्नदाता उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरी टोकरी में कहाँ जा रहा है। ठीक है किला, चलो। जी जी दादा। अच्छा किला जी, तुम ले जा तो सकोगे ना? अन्नदाता आप कहें तो मैं बनवीर को भी अपने सर पर उठाकर ले जा सकता हूँ। हाँ टोकरी तो तुम्हारी काफी बड़ी है। अन्नदाता आपके जैसे ही तो मेरी टोकरी बड़ी हो गई है। पर अन्नदाता पूरे राजमहल की इतनी सारी पत्तल है और छोटी टोकरी में कैसे आती? और फिर बनवीर के साथ में बहुत से सामंतों ने आज खाना खाया, मैंने सोचा कि बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वही बड़ी टोकरी ले आया हूँ आज। अच्छा चलो अब देर नहीं करता। अन्नदाता आप तकलीफ ना करें, मैं सब कर लूंगा। कुंवर को लेकर तुझे वो बेरिस नदी के पास वाले शमशान पर मिलना, वहां हमें कोई नहीं देख सकेगा। ठीक कहा अन्नदाता, मैं आपको वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ेगी। जी। आज तुम जैसे छोटे आदमी ने राज सिंहासन को सहारा, एक छोटे से तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। धन्य हो तुम कीरत, धन्य हो तुम। अन्नदाता धन्य तो आप है जो आपने ये काम मुझे सौंपा। ठीक है कीरत जी, अब चलो। जी धैमा, बनवीर के सैनिकों ने महल चारों तरफ से घेर लिया है। धैमा तर की तरफ 7 सिपाही है और बाकी तरफ 20 सिपाही है। धैमा तुम यही ठहरो सामी, सब इंतजाम हो गया है, मैं अभी आती हूँ। जी तुम अभी देखकर आ रही हूँ ना, तुम बस कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोच रहा हो चुका है सामली, तुम ठहरो तो। धैमा ये धैमा क्या सोच रही है कि कीरत बारी भी यहाँ बना हुआ है। दुष्ट बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया, अब तेरी आंख मेरे कुंवर सिंह पे लगी है। तुझे नर्क में भी चैन नहीं मिलेगा बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन नहीं मिलेगा। तुझे भवानी, तुझे भवानी, मेरी कुंवर की रक्षा करो माँ, मेरी कुंवर की रक्षा करो, मेरी कुंवर की रक्षा करो माँ, मेरी कुंवर की रक्षा करो। कुंवर की रक्षा हो गई सामी, सामी, सामी कुंवर की रक्षा हो गई। कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को लिटा लिया, फिर पत्तले ढक दी और पानी छिड़क दिया, अब वो महल से बेखटके निकल जाएगा। किसी को समझ में नहीं आएगा कि टोकरी में कुंवर जी, हमारे कुंवर जी बच गए सामने, हमारे कुंवर जी बच गए। बहुत अच्छा सोचा धैमा, बहुत अच्छा सोचा। हाँ सिपाही समझ भी नहीं पाएंगे कि टोकरी में झूठे पत्तले हैं या कुंवर जी, और वो महल से बेखटके निकल जाएंगे और उनसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। धैमा बहुत अच्छा सोचा, धैमा बहुत अच्छा सोचा। सामली अब तो मेवाड़ के भाग्य से ही वो बचेंगे। जरूर बचेंगे धैमा, जरूर बचेंगे। पर तुम्हें ये सुझाव किसने दिया धैमा? भवानी, जब मैं आग बन करके उनकी प्रार्थना कर रही थी ना, तभी कीरत बारी आ गया और आते ही उसने मुझसे कहा, धैमा मैं तो कीरत बारी झूठी पत्तले उठाता हूँ, कोई मार बता तो मेरे पास है नहीं, और मैं महल में बेखटके चले आया। बस तभी तभी मुझे भवानी ने सब सुझा दिया और हमारे कुंवर बच गए। एक बात है धर्मा। क्या सामने? पंडित किसी भी वक्त इस महल में आता होगा धर्मा, कुंवर की खोज करेगा, अब वो कुंवर को नहीं पाएगा तो तुमसे पूछेगा, तो
होगी धायमा? मैं कह दूंगी मुझे नहीं पता कहाँ है। सिर्फ नहीं मानेगा धायमा, भूत में अंधा होकर अगर उसने तुम पे तलवार चला दी तो मेरे कुंवर कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना धायमा? तो मैं बनवीर से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी। ऐसी विचित्र भिक्षा पूरे चित्तौड़ में किसी नारी ने नहीं मांगी आज तक। मुझे उसके सिर खून चढ़ गया धायमा, वो मनुष्य नहीं दैत्य बन गया दैत्य। कुंवर जी को नहीं पाकर वो तुम्हारी हत्या जरूर कर देगा धायमा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो कुंवर की तो चिंता है ना, तुम्हारे बिना मेरे कुंवर भी नहीं रह पाएंगे धायमा। तो ये तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम का? हाँ बोलो। सचमुच मेरे बिना मेरे कुंवर का क्या होगा? छोटी छोटी बातों पे तो वे रूठ जाते, जब मुझे नहीं पाएंगे तो वे जीवन कैसे रहेंगे? धर्मा, तुम किसी तरह से बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। दे सकती हूँ कैसे? मैं कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। बनवीर तो क्रोध में अंधा रहेगा ही, उसे समझ भी नहीं आएगा कि शैया पर कौन सो रहा है। कुंवर की शैया पर? कुंवर की शैया पर किसे सुला दोगी धायमा? सुला दूंगी। सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों के सामने प्रलय का बादल सांवर रहा है। सामने मेरे रोम रोम में बिजली तड़प रही है, बिजली तड़प रही है। सामने मां, अपने आप को संभालो धायमा। तो क्या कह रही हो? कुंवर की शैया पे किसे सुला दोगी धायमा? सुला दूंगी वो जो मेरे शिखर का टुकड़ा, मेरा नाम चंदन।
महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के सड़क पर चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा पैर में चुभ गया। बस कोई बात नहीं, मार रख के निकला ही करना। पर सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे थे? कुछ नहीं चंदन, आज उत्सव का दिन है ना, सोना नीचे नाच रही होगी, उसी ने उन्हें बुलाया होगा। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूंगा फूल को अपना नाचना दिखाया करे। जमाना खींचने में लगता ही नहीं। मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। फूल खाए माँ, आज फिर से मुझे मैं साथ ना चले। फिर उठकर सो रहे, तब से सो ही रहे हैं। कुंवर को इतनी नींद क्यों आती है माँ? देखो कहाँ सो रहे चंदन। कुंवर रूठ कर सो रहे हैं चंदन। माँ, सोना नहीं उन्हें बुरा मानना सिखा दिया है, नहीं तो वे पहले बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया ही नहीं गया माँ। चलो चंदन, मैं तुम्हें आज अपने हाथ जी भर के खिला दूँ। अब कुंवर के साथ कल खाऊंगा माँ, हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर से भी ज्यादा। कहते हैं चंदन से सादा खाता, अब कल ये कहना भूल जाएंगे माँ। ठीक है लाल। अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? नहीं चंदन, पानी नहीं। और तुम्हारे पैर से इतना रक्त निकले और मेरे आंखों से आंसू भी ना निकले। ओ माँ, तुम बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत ही जागीर जीतूंगा ना, तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। देवी स्थान पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी चंदन, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। यह मैं समझ ना माँ कि जागी नहीं जीत सकता। जंगली खरगोशी तरह तेज से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। अब अधिक बातें ना करो चंदन, रात बहुत हो गई। तुम जाओ, जाके विश्राम कर लो। कौन? पनवीर होगा मेरे लाल, तुम्हारी झूठी पत्ते उठाने आया होगा। तुम आज काम करो, आज तुम यही विश्राम कर। अच्छी कहानियों को सोचते हुए सोचा,
कितने वीर हुए हैं चित्तौड़ में, पापा रावण जिन्हें हारीत ऋषि ने दर्शन दिए, इन्होंने ही मेवाड़ की नींव रखी और विदेशों पर चढ़ाई करी। इन्हें पहले पहल हमारे आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन जिन्होंने अपनी अकेली की शक्ति से न जाने कितने युद्ध जीते। राजा हंसवाल जिन्होंने कितनी जागीरें जीती और उनको मेवाड़ में मिलाया। रावल सामंत सिंह जिन्होंने कोई काली छाया नहीं आई थी। चंद्र मैं तो तुम्हारे पास ही हूं ना। काली छाया नहीं आएगी, पर जाने की नींद नहीं आ रही। तुमको गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाओ। ठीक है मेरे नाथ, मैं गीत ही सुनू। छड़ी छड़ी हाँ
बुला दिया कि अब वो नहीं उठेगा। मैंने अपने भूल से बच्चे को अंगारों की सेज पर लिटा दिया। तू सर्पिणी है सर्पिणी पन्ना, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। इस संसार में तेरा भी जन्म होने को था, आज तो भूखे ही सो गए। कहते थे कि कल कुंवर से भी ज्यादा खाऊंगा। कैसे कहूं कि अब वो संभव है। अब मैं किसे खिलाऊंगी मेरे लाल, किसे? तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मेरे लिए उलझा भवानी का मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पे मुझे बिठाओगे। मैं कैसी देवी हूं जो अपने ही भक्त को मार डाले। जाओ मेरे लाल, मातृभूमि पे अपना रक्त चढ़ा दो। ये मेरा दीप दान है, दीप दान। क्या किसी ने किया है ऐसा दीप दान? मैंने अपने जीवन के दीप को रक्त की धारा पर तैरा दिया। ये है मेरा दीपदान, ये है मेरा दीपदान। अच्छा नहीं था ना, इसीलिए मैंने उन्हें जाने नहीं दिया।
भी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। मेरे लिए दीपदान देखने की नहीं, करने की बात है। ओ दायवा तो मंगल कामनाओं की देवी है देवी, वो चित्तौड़ का दीपदान करके कल्याण करेंगी कल्याण। मैं भी तो चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। वैसे एक बात कहूं दायवा, मैं मारवाड़ में तुम्हें एक जागीर देना चाहता हूं, वहां तुम्हारे लिए एक तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें उतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। तुम ही उस देवी के मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा कर। महाराजा पनवीर नहीं कहा, मेरे कह देने भर से तुम देवी हो गई। महाराजा बलवीर को वीर कहने लगी। प्रणाम देवी को प्रणाम। उसे दायवा तुम्हें इस मोह और ममता से दूर रहना। कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं उसे। ये तलवार दूंगा। ये तलवार, इसका रक्त कैसा लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा होती है दायमा, ये अनंत सुहाग से भरी है, ये उसकी सिंदूर की रेखा है दायमा। और बिना रक्त के तलवार भी क्या कोई तलवार कहलाती है? इस तलवार को म्यान में रख लो महाराज। क्यों? तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता दायमा। तो दायमा होने पर तुम में इतनी ममता भर आई है कि तुमसे तलवार भी नहीं देखी जाती। तलवारें इतनी आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती है। रात अधिक हो चुकी है महाराज, विश्राम करिए। विश्राम मैं करूं? वीर जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए इतनी दूर तक यात्रा करनी है। कुंवर उदय सिंह को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं दायमा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जागीर नहीं चाहती? नहीं। मांगो, उदय सिंह के बदले में जो मांगोगी वो दिया जाएगा। राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज। पूरा तो जब भूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तुम दोनों में से किसी एक पर भी नहीं चल सकती, क्योंकि तुम्हारे महल को सैनिकों ने घेर लिया है। सैनिकों को आज्ञा किसने दी महाराज? वो अब इस संसार में नहीं रहे, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है और उसी रक्त की लहर मेरे ये तलवार पर है। वो बनवीर, हत्यारा बनवीर। राजा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती दायमा तुम। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीप काट दी जाएगी। सुनो, काट लो मेरी जीप और निकल जाओ यहां से। महाराज विक्रमादित्य, ओ बार बार वो नाम क्यों लेती? वो तो और हितों को वो नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकारे के साथ लो, जयकारे के साथ। धिक्कार है तुम पर। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म लेते ही क्यों नहीं? बच्चे को
संभालने वाली, होरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराजा से बात करती है। कहाँ है कुंवर? तू कुंवर उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। महाराज विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद तूने देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा। मेरी तलवार देखो। और विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। नहीं, मुझे नहीं हो सकता। बनवीर, तुम तो कुंवर उदय सिंह के संरक्षक थे ना? उनकी रक्षा करने की जगह तुम उनकी हत्या करोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज करो, तुम राज करो सारे चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज करो तुम, पर मेरी कुंवर को छोड़ दो। मैं कुंवर को लेकर सन्यासी नहीं हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी मैं। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे सर पे रहे महाराज बनवीर। मेरा कुंवर भी मेरी गोद में, मुझे अभिक्षा दे दो बनवीर, मुझे अभिक्षा दे दो। ओ, ये नाटक देख चुका मैं। कुंवर उदय सिंह की मृत्यु हुई तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ियों एदायमा। जब तक कुंवर उदय सिंह रहेंगे जब तक राज सिंहासन मेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता राज सिंहासन मेरा। दूर हट जा मेरे रास्ते से, दूर हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, कुंवर की शैया से दूर मैं कहीं नहीं हटूंगी। दूर हट, दूर हट दासी। उदय सिंह को सला दिया ताकि उसे मरने में कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया। वारिदाए वाह, बच्चे के मरने पर भी ममता का इतना ख्याल रखती है। मैं उसे चिरंतन में ही सला दूंगा। नहीं हो सकता, कुंवर राजा नाकी मेरी कटा कर सकता। दासी शतरानी कटार से वार मेरे इससे वार तुझे भी समाप्त कर दू, कर दू तुझे समाप्त। लेकिन मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। और अब बहुत सोता है मारा पर वार करते हुए, तेरा नेता तुझे नहीं दिखाता। यही तो मेरे मार्ग का कंटक है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी तो यमराज को इस दीप का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, लो इस दीपक को, यह है मेरा दीप दान।